नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आरएचएस बीएससी नर्सिंग पार्ट फोर्थ मेन एग्ज़ाम जो अभी होने वाले हैं 2024 में, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं। आज का सब्जेक्ट जो रहेगा अपना मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, यानी कि ओबीजी सब्जेक्ट आपका रहने वाला है, जिसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ। पिछले साल का क्या हमारा जो क्वेश्चन बताए थे उनका क्या क्राइटेरिया रहा था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड के अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पीडीएफ कहाँ मिलेगी वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ट्रस्ट तभी करना, पहले प्रूफ देखना फिर ट्रस्ट करना। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर आप देखोगे जो बताया है वो एग्जाम में आया है। ये पिछले साल के कुछ सैंपल्स है, ये रिसर्च का पेपर है, इसमें काफ़ी पूरे क्वेश्चन इसी में से थे। तो और इसमें देखो, ये ओबीजी का लास्ट ईयर का पेपर है, टेलीग्राम पर दे रखे मैं सब। ओबीजी का लास्ट ईयर का पेपर है, आप देखो ओबीजी का पेपर है, जिसमें आप यहाँ पर देखोगे कि 80 में से 56 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट जो हमने पेपर दिया था उसी में से आए थे। इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखो, इधर ये अलग अलग पेपर है, यहाँ पर न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री में 80 में से 60 नंबर के क्वेश्चन हमारे द्वारा बताए गए में से आया था। तो क्वेश्चन वही बताएंगे जो आपके काम के हैं। यहाँ पर एनाटॉमी फिजियोलॉजी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितने नंबर का है, तो यहाँ पर देखो 55 नंबर के क्वेश्चन सीधे सीधे 80 में से मिले थे। 36 नंबर के ये थोड़ा सा शायद एमएसएन का है, तो इसमें 36 नंबर के, लेकिन मैक्सिमम पास होने लाइक क्वेश्चंस हमारे बताए हुए में से मिल जाता है। देखो, हम गारंटी टॉपर की नहीं लेंगे, लेकिन आपको पास कराने की इतना तो हम दावा कर सकते हैं कि आप जो हम पढ़ाएंगे, जो बताएंगे वो पढ़ लोगे आप, तो आप पास हो जाओगे। पास होने के लिए इतना काफ़ी है, यहाँ पर लिख रखा है पास होने के लिए 36 काफ़ी है। इसी प्रकार एक जो गेस पेपर भी आपको टेलीग्राम पर, गेस पेपर भी आपको एग्जाम से कुछ टाइम पहले मिलता है, उसमें भी डायरेक्ट देखो 16 नंबर के पूछे जा रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ट्रस्ट करना आपके ऊपर है, मेरा काम है क्वेश्चन क्वेश्चन प्रोवाइड करवाना। यहाँ पर ये अलग तरीके से लगाने का मतलब ये है कि क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन बताओ उसका सेकंड नाम जो भी अगर बुक से सोल्ड पेपर में दे रखा हो तो उसको जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, गोल्ड स्टोन को चिलिस्टेटिक नाम से पूछ लिया गया था, ठीक है, कोलियोलिथिस के नाम से पूछ लिया था यहाँ पर। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो आप सभी अगर पीडीएफ के लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, www.sstopnews.in पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो या टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आपका जो रहने वाला है, डिफाइन द पोस्टपार्टम हेमरोज और डिस्कस द केस ऑफ पोस्टपार्टम पीपीएच के रिगार्डिंग है। पहला क्वेश्चन मैनेजमेंट, आपको नर्सिंग मैनेजमेंट आपको ध्यान रखना है प्राइमरी पीपीएच के रिगार्डिंग, यानी कि जो पीपीएच है, पीपीएच के साथ साथ आप एपीएच भी पढ़ लेना। पीपीएच तो मैं बोल ही रहा हूँ, पीपीएच बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इस बार आपका पीपीएच आएगा क्योंकि पिछले 2 साल से शायद ये आया नहीं है, इस बार पीपीएच आने की पूरी संभावना है। और एपीएच भी पढ़ लेना क्योंकि एपीएच भी जरूरी है। तो दोस्तों, पीपीएच हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है डिफरेंस के, डिफरेंस रहने वाला है प्लेसेंटा प्रीवा और एब्रुप्टा प्लेसेंटा के रिगार्डिंग है, और ट्रू लेबर है, फाल्स लेबर है, इसके अलावा ट्रू पेल्विस, फाल्स पेल्विस, मिस एबॉर्शन और थ्रेटन्ड एबॉर्शन, इसके जो डिफरेंट है वो डिफरेंट भी याद कर लेना। इसके अलावा अगर आप और कुछ कर सको तो कर लेना, लेकिन ये तो आपको करके ही जाना है क्योंकि क्वेश्चन आपको मिलेगा। डिफाइन द लेबर, एनालिस्ट डिफरेंट स्टेज ऑफ लेबर, और एक्सप्लेन नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ सेकेंड स्टेज। मैंने यहाँ पर सेकेंड स्टेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखा है, बाकी आप फर्स्ट और थर्ड को भी आप खुद पढ़कर जाना क्योंकि क्वेश्चंस है, हो सकता है मान लो डिफाइन लेबर पूछ लिया, एनालिस्ट स्टेज पूछ लिया, स्टेज पूछ लिया, लेकिन वो मैनेजमेंट किसी एक ही स्टेप का पूछेगा, किसी एक ही स्टेज का वो मैनेजमेंट पूछने वाला है। तो आप लेबर के रिगार्डिंग ये भी कर जाना है आपको कि सेकेंड स्टेज के साथ साथ थर्ड स्टेज के भी आपको और फर्स्ट स्टेज के भी आपको मैनेजमेंट पढ़ के जाना है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप कर सकते हो इतना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है इसके डिफाइन करना है, इसके केज, रिस्क फैक्टर, पैथोफिजियोलॉजी, नर्सिंग मैनेजमेंट, ट्यूबल प्रेगनेंसी, यानी कि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी पूछ सकता है, ट्यूबल प्रेगनेंसी भी पूछ सकता है, आपको दोनों को पता है थोड़ा बहुत सेम है सब चीज़ें। तो मैनेजमेंट आपको कुछ कॉमन मैनेजमेंट मैं टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जो तो आपको एमएसएन में,
ओबीजी में, साइकेट्रिक में, चाइल्ड हेल्थ में, सब में हेल्प करने वाले हैं, नर्सिंग वालों के लिए, सबके लिए हेल्प करने वाले हैं। तो नर्स कॉमन नर्सिंग मैनेजमेंट आपको जल्दी मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा लिंक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन को डिफाइन करना है, इसकी एटियोलॉजी क्या होगी, और प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया इसी से रिलेटेड है तो एक्लेम्सिया की एटियोलॉजी होगी, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द एन एक्लेम्सिया पेशेंट, एक्लेम्सिया पेशेंट के रिगार्डिंग आपको नर्सिंग मैनेजमेंट करने हैं। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट इस बार रहने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में देखो कुछ मैंने ज़्यादा ऐड करे, देखो क्वेश्चंस आधे कुछ पहले के, कुछ मैंने ऐड एक्स्ट्रा ऐड करा है इन्होंने। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ऑक्सीटोसिस है, न्योनेटल रेस्ट्रिक्शंस हैं, इसेसनल न्यूबॉर्न केयर है और पार्टोग्राफ है। तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, जो आपको कभी हो सकता है इनको बड़े क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन मिला के इनसे ही दे दे बड़ा क्वेश्चन बना के, तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है। कुछ शॉर्ट नोट्स और हैं, हाइपरमेसियस ग्रेविडम, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, और इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, सीजरन सेक्शन, NST यानी कि NST नॉन स्ट्रेस टेस्ट, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ एक्स्ट्रा और बता रहा हूँ जो ध्यान रखना, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप यहाँ पर देखोगे वो इन सात क्वेश्चंस के अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हैं परपेरियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एबॉर्शन हालांकि मैं ऊपर बता चुका हूँ, लेकिन वहाँ पे आपको क्या था, वहाँ पे था डिफरेंट था, लेकिन यहाँ एबॉर्शन को आप बड़े तरीके से भी याद रखना शॉर्ट नोट्स में, बड़े शॉर्ट में, या ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट भी आ सकते हैं और शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं और बिग क्वेश्चन भी इनसे आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन इस बार सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ट्रेंड इन मिडवाइफ एंड ऑब्स्ट्रक्टिकल नर्सिंग, यानी कि जो OBG के जो न्यू ट्रेंड्स हैं उन ट्रेंड्स पर आपको रिसेंटली जो ट्रेंड्स हैं उन पर फोकस करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है। परपेरल सेप्सिस भी से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो 5-6 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं इनको भी आपको पढ़ लेना है। तो दोस्तों अगर इस पेपर को आप करके चले जाते हो तो मैं इतना बोल रहा हूँ, 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है, 80 में से 50 प्लस आप ऐसे स्कोर करोगे, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको कंटस्ट याद होना चाहिए इनमें, ये नहीं कि इनमें भी टूटे फूटे याद कर रहे हो तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, अगर इनमें भी टूटे फूटे अगर आप याद करते हो तो। बात करते हैं इसके बाद कुछ जो भी चीज़ें हैं, तो देखो दोस्तों भरोसा करके ईमानदारी से ये सभी क्वेश्चन करके आप चले जाते हो तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता, पर 100 बात की एक ही बात है, पढ़ना तो पड़ेगा मेरे भाई, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता। अब देख लेते हैं PDF कैसे डाउनलोड आपको करनी है, तो आप सभी को जाना है गूगल पर, सर्च करना है www.sstopnews.in, और जैसे आप सर्च करोगे आपको हमारी वेबसाइट का इस प्रकार से दिख जाएगी, उस वेबसाइट को आपको ओपन करना है, नर्सिंग वाले सेक्शन में जाकर आपको PDF डाउनलोड कर लेनी है। एसोसिएटेड टू स्टडी विद देव के साथ ये जुड़ा हुआ है, स्टडी विद देव का एक पार्ट है sstopnews.in, तो यहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। इस तरीके से आप गूगल पर सर्च करोगे, सर्च करने के बाद आपको ये वेबसाइट ओपन होगी, इस वेबसाइट को आप ओपन करोगे, आप वेबसाइट पर पहुंच जाओगे और PDF डाउनलोड कर पाओगे। थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप वीडियो में एंड तक बने रहे, और वीडियो में आपको कुछ भी अगर गलती लगी हो, कोई भी चीज़ लगी हो कि हाँ ये क्वेश्चंस में, अगर आपको कोई क्वेश्चंस के आंसर भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपको क्वेश्चंस की PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा विद आंसर, ठीक है। बस आप सभी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, मिलते हैं अगले वीडियो में, कौन सा सब्जेक्ट का लेकर आऊँ उसके रिगार्डिंग भी आप बता देना। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।